बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो जो आपके लिए लेके आए हैं वो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके लिए आइए उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप किसी भी मोबाइल को कम्प्लीटली अपने दूसरे मोबाइल के अंदर उसका डाटा शिफ्ट कर सकते हैं बड़ी ईजी से। और उसके लिए आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो आप वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इतना आसान भी है कि सिर्फ एक वन क्लिक पे, मतलब वन क्लिक हो गया, मतलब उसको एक क्लिक के साथ ही आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है मैं उसको आपको बताता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, या तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड बाय करना है तो बाय कर लें, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें भी जो कुछ फंक्शन है जो फ्री नहीं है, बाकी जो मेन फंक्शन है कुछ दो तीन जो हैं हमारे काम के वो मतलब हमें फ्री मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम है। ऐसा जब उसको ओपन करेंगे कुछ ऐसा उसका इंटरफेस होगा। ये देखिए, आप दो मोबाइल उसको यूज़ कर रहे हैं, आप एक एप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी, मतलब तो आप यूज़ करके उसको कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें, इसमें अभी सारे हैं, एक रिकवर डाटा फ्रॉम योर फोन, ट्रांसफर डाटा बिटवीन योर फोन एंड कंप्यूटर, रिपेयर, आप ISOS के सिस्टम भी रिपेयर इसमें कर सकते हैं, iTunes एरर का प्रॉब्लम इसमें सेट कर सकते हैं, अरेज डाटा, परमानेंटली अरेज डाटा फ्रॉम योर फोन, जो डाटा आपके पास अरेज नहीं हो रहा आप उसे यहाँ से परमानेंटली अरेज कर सकते हैं, जो आपको पता है कि आपने डिलीट करना है, कोई और दोबारा रिकवर ना कर ले, तो यहाँ से इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्विच, मतलब ये वो है, यहाँ से आपने कॉपी डेटा फ्रॉम, अभी ये मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉपी डेटा फ्रॉम फोन टू एंड अदर फोन, ठीक है। एक आएगा बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर, एंड उसके बाद आगे अनलॉक, रिमूव योर फोन अनलॉक, आपको अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए, जिसके नीचे डाउनलोड लिखा आ रहा है ना, ये इसको डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल के पे के साथ होगा जो बाय किया होगा उन्होंने, क्योंकि मैं डाउनलोड करने की कोशिश की है, मैंने नहीं हुआ फ्री में। ये देखें, अभी आपको इसका ऑप्शन भी आ जाएगा, ये डाउनलोड फेल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये नहीं है। अभी ये देखें, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और एक दो और तीन जो हमारे काम के वो फ्री हैं। ओके, तो इसके अलावा जो हमने हमारे काम का है वो ये स्विच है, डाटा जिसे हमने करना है फोन को अपना, वन फोन टू अदर फोन आपने उसको ट्रांसफर करना है। तो ये कर क्या होगा, इसमें आपने जब USB पोर्ट आपके PC में होंगे, दो पोर्ट तो होते हैं पोर्ट, ठीक है ना। तो ये मैं एक फिर आपको लगा देता हूँ, मेरे पास फिर एक मोबाइल है तो मैं एक ही आपको लगा देता हूँ, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ये जैसे इसको कनेक्ट करेंगे आप, ये देखें एक आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। वो पूछ रहा है आपने यहां से ये अभी इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सब डाटा मेरा फ्रंट पे सामने आ जाएगा जो जो डाटा इसमें है, तो यहां से आपने किसमें करना है, ठीक है ना। तो आप जब दूसरा इसमें अपना USB पोर्ट लगाएंगे इसके साथ, तो वो डायरेक्टली ये फोन भी ऐसा ही शो हो जाएगा। तो फिर आपने सिर्फ इसको, तो अभी ये एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, इंस्टॉलिंग, ये इसी तरह हो जाएगा कंप्लीट होके, ये कनेक्टिंग करेगा इसके साथ, इसी तरह दूसरा कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको फ्लिप करना पड़ेगा, तो जो डाटा ये फ्लिप है, जो मोबाइल में आपने करना है, ये है सोर्स, जिसमें आप जो मोबाइल आपने यहाँ से यहाँ डाटा कन्वर्ट करना है वो इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। तो आप जब लगाएंगे तो लगा के चेक कर लीजिए आपने कौन से मोबाइल डाटा इस तरफ करना है, तो आप उसको फ्लिप कर लें, ठीक है ना। उसके बाद सेलेक्ट कर लें जो आपने डाटा सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जब आप दोनों मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे ना, तो आपका ये डाटा आप सिलेक्ट कर सकेंगे, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसफर का ओके और का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये बहुत इजीली यूज है, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ें भी नहीं है।
जैसे ही आप दो फोन सेलेक्ट करेंगे, आपने एक पुराना फोन है मतलब उसको यूज कर रहे हैं और उसको आपने मतलब डाटा सारा सेव करके न्यू मोबाइल में करना है, तो ये बहुत बेस्ट ऐप है उसके लिए कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज करके अपना डाटा ट्रांसफर करके सेव कर सकते हैं उस मोबाइल को। अगर बेचना भी चाहे तो उसको, ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, आप ये ऑप्शन यूज करके अरेज डाटा वाला या फ्री है तो आप इसे अरेज कर दें, कम्प्लीटली अरेज कर दें, ठीक है ना। उसके बाद ये एक दो तीन, ये बाय वाला ऑप्शन दिखाया था मैंने आपको, ये देखे अगर हम बाय कर लेंगे तो हमें ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे, ये वाला अनलॉक फोन स्क्रीन। तो ये है कि सिर्फ फोन कनेक्ट किया और कुछ ऑप्शन देंगे उसके बाद, और मैं कोशिश करूँ कि इंशाल्लाह अगली वीडियो कुछ जल्दी बनाऊँ इसके बारे में भी, है कि आपको अनलॉक करके दिखाऊं कि कैसे ये बाय करके इनका प्रॉपरली क्या काम है। ये ट्रांसफर डाटा बिटवीन योर फोन एंड कंप्यूटर, ये हमारे फोन से कंप्यूटर में डाटा जो प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से, तो हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेन चीज हमारे लिए ये हो जाएगा कि हम अनलॉक अपने फोन को आराम से कर सकते हैं, पैटर्न लॉक और रिकवर कोई डाटा हमारा हो तो वो भी हम कर सकते हैं इससे। उसके बाद कोई रिपेयरिंग का मसला हो, रिपेयर योर iOS सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम, iTunes, ये iPhones के सिस्टम की रिपेयरिंग के लिए है। उसके बाद डाटा बैकअप के लिए, बैकअप एंड रिस्टोर, ये बैकअप एंड रिस्टोर योर फोन इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट फोटोज, अपने कॉन्टेक्ट वगैरह भी आप रिस्टोर द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो मैं सोचा कि बहुत जबरदस्त एक एप्लीकेशन आई तो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने कमेंट से भी हमें इस्तेफादा कीजिए कि आपने हमारे इस वीडियो के बारे में आप क्या राय है। तो अब ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह आपका हामीन, अस्सलाम, आमीन, सुमा आमीन, अल्लाह हाफिज़।